सर की रहा आज जिस तरीके से एनआईए ने उसको लेकर दिल्ली भी आ रही है, कोर्ट में क्या रहा समझाइए। एनआईए ने मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई नू है कल बठिंडा जेल के अंदर जाके अरेस्ट किया सीगा। उन्होंने अपनी एक एफ आई आर जो यूपीए दी सैक्शन 17 सैक्शन 18 120 बी आईपीसी के अंदर जो है दर्ज की हुई है, ये 26 अगस्त 2022 दर्ज की थी यूएपी अंदर एनआईए ने। वो अंदर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई नू बकायदा मेन अपना एक्यूज दस्या सीगा। उन्होंने कल बठिंडा जेल के अंदर जाके लॉरेंस बिश्नोई जो जुडिशल कस्टडी अंदर है पंजाब पुलिस की उत्थे आके अरेस्ट किया और अज वर्चुअल मोड के थ्रू जो है ए प्रोटोकॉल्स नू फॉलो करते हुए एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली के अंदर उन्होंने प्रोड्यूस किया सीगा। और मैं भी वीसी लिंक के उपर ज्वाइन सीगा उस टाइम। उन्होंने एनआईए ने जो है 12 दिन का पुलिस रिमांड मंगया। उन्होंने कहा भी सानू 12 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए जिदा असं लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नैक्सस नू चैक करना चाहते हैं भी किवें पूरा गैंग नैक्सस काम करता है। वो वास्ते कोर्ट ने सानू पूछा भी तुहानू कोई ऑब्जेक्शन हैगी है, तो असं क्या सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि असी हर एजेंसी ने हमेशा कॉपरेट किया और असं चाहते हैं भी ये अंदर भी असं फुली कॉपरेट करिए और एलीगेशन जो ने बिल्कुल फेक एंड फैबलेस ने और दुधा दुध पानी का पानी होना चाहिए। तो उन्होंने उन्होंने पूरी गलों सुनने तो बाद जो है 12 दिन का ना दे के 10 दिन का 3 दिसंबर तक ली एन आई ए जो है पुलिस रिमांड जो है कोर्ट ने हैंड ओवर कर दिता है शर्त के नाल जिदन बकायदा किया गया। क्योंकि साड़ी पहली गल ये कि भी उन्होंने जो ट्रांजिट रिमांड से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा तो वो पुल सेफ्टी मेजर का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने बकायदा ऑब्जरवेशन के अंदर लिखे अपने कोर्ट के अंदर ऑर्डर के अंदर भी वो नीडलैस टू से यानी सानू कहना ना पवे यदी बकायदा पुख्ता सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। रास्ते अंदर ट्रांजिट रिमांड के दौरान इनू किसी तरीके की भी कोई भी चाक चौबंद रहनी चाहिए, सुरक्षा कोई लापरवाही कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस तो इलावा यदा हर 24 घंटे अंदर मेडिकल होना चाहिए और कंसर्न जिते भी इनू एन आई ओ हैडक्वार्टर रखा जाएगा उत्थे बींग एडवोकेट मैनू मिलने वास्ते 20 मिनट का डेली टाइम जो है कोर्ट के अंदर बकायदा डायरेक्शन देती है मिलेगा सर। तो क्या उसका पहले मेडिकल किया जाएगा या फिर उसको एनआईए कहीं भी रख सकती है ऐसा कुछ है? नहीं, एनआईए बकायदा जो उतो बठिंडा लेके उतो रवानगी निकलेगी उत्थे भी उनका मेडिकल कराया जाएगा, दिल्ली पहुंचने वेले भी उसका मेडिकल कराया जाएगा और उनू एनआईए हेडक्वार्टर अंदर रखा जाएगा। उत्थे ही उनू जो है उत्थे ही उसका 10 दिन का पुलिस रिमांड जो है खत्म होने तो बाद उन्हें दोबारा दिल्ली अंदर ऐसे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। यही सवाल है कि जिस तरीके से प्रोड्यूस 10 दिन बाद किया जाएगा, क्या अब ये दोबारा वापस पंजाब जा सकता है या फिर दिल्ली की जेल में रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, उन्हें पंजाब नहीं जाएगा, उन्हें दिल्ली ही शिफ्ट किया जाएगा। यह 3 तारीख को देखा जाएगा 3 दिसंबर को कि क्या एनआईए फर्दर एक्सटेंशन रिमांड एप्लीकेशन मूव कर दी है नहीं कर दी। अगर कर दी है तो वो उपर डिसाइड किया जाएगा, अदरवाइज इनू तिहाड़ जेल दिल्ली अंदर ही जो है इतने जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा और पंजाब जाना उन्हें का सवाल नहीं है क्योंकि पंजाब जिंदर घट तो घट 24 से 25 मुकदमे अंदर ऑलरेडी 6 महीने तो डेरोगेशन हो चुकी है, अलग अलग पुलिस रिमांड हो चुके हैं और उन्होंने को कोई मुकदमा नहीं बचा। पुराने मुकदमे तो इलावा उन्होंने प्लांटेड कर करके मुकदमे 6 से 6.5 महीने तक वो पुलिस कस्टडी लीती है। हूँ पंजाब पुलिस कोई मुकदमा बाकी नहीं है, इस करके हूँ लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली ही रहेगा। एनआईए किस जो केस रजिस्टर्ड एनआईए ने किया है, क्या पूरा मामला है? एनआईए ने 26 अगस्त 2022 जो है होम मिनिस्ट्री के आदेश के उपर यूएपीए की सैक्शन 17 सैक्शन 18 बी इस अलावा आईपीसी सैक्शन 120 बी के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, लंडा इस तो इलावा होर भी काफ़ी लोग ने, गुलाल बराड़, इतने कई बंदे ने जिन्हों के नाम से सारा कुछ मामला बनाया गया। उन्होंने ये कहा गया भी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपने मैंबर सिंडिकेट मैंबर के थ्रू जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर गैंग चलाता है, वो अंदर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जाती है, यंग लड़कियों को भर्ती किया जाता है और बकायदा एक डर का एक बकायदा पैनिक क्रिएट किया जाता है पूरे देश के अंदर। असी उस नैक्सस को ब्लास्ट करना चाहते हैं, नैक्सस को तोड़ना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये एफ आई आर के कंटेंट्स ने, अजे एफ आई आर हो ही है, इन्वेस्टिगेशन होएगी, इन्वेस्टिगेशन अंदर बाद अंदर जाके 4 से 6 महीने की लिमिटेशन है दाखिल की जाएगी, फिर पता लगेगा कि आंदा इन्वेस्टिगेशन।